हेलो गाइस, मैं हूँ साहिल और आज हम करेंगे क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट एंड पेज 12। इस पेज पर डायग्राम दे रखे हैं डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट डायग्राम दे रखा है बाइसेक्सुअल एनिमल का अर्थवर्म, सेकंड डायग्राम है यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच, थर्ड डायग्राम है मोनोसियस प्लांट कारा, फोर्थ डायग्राम है डायोसियस प्लांट मार्केंटिया एंड फिफ्थ डायग्राम है बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो का। चलिए डायग्राम देखते हैं। पहला जो डायग्राम है वो अर्थवर्म का है। इसमें एक ये टर्म दे रखी है क्लाइटेलम, ये बाइसेक्सुअल एनिमल है। इसमें टेस्टिस एंड ओवरी दोनों हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। सेकंड डायग्राम है यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच का। इसमें दो अलग अलग पेरेंट होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी होती हैं, तो ये अलग अलग आपको याद करने हैं। थर्ड डायग्राम पे आते हैं, इसमें कारा का एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है ओगोनियम एंड एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन है। आपको ये याद करना है, इनकी पोजीशन याद करनी है। ये नीट में आती हैं, ये नीट एमसीक्यूज बन सकता है। पोजीशन के ऊपर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो मेल सेक्स के ऊपर होता है, तो आपको ये याद करना है, ये नीट एमसीक्यूज बन सकता है। फिर फोर्थ डायग्राम पे आते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल थैलस दे रखा है। फीमेल थैलस में जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं आर्केनियोफोर एंड मेल थैलस में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम एंथ्रियोडियोफोर। तो आपको ये दोनों याद करने हैं, इनकी स्ट्रक्चर और शेप दोनों ही देखनी है और ये नीट एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपको ये याद करना है। फिर आते हैं फिफ्थ डायग्राम पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये स्वीट पोटैटो का फ्लावर है प्लांट का। इसमें स्टेमन एंड कार्पल एक ही फ्लावर में होते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आपको ये सभी डायग्राम याद करने हैं, ये नीट एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस पेज पर इतने ही नीट एमसीक्यूज बनते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल साहिल ट्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुँच सकें।